नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पेरेंटल केयर इन इंसेक्ट। तो जी हां, मैमस और अन्य ग्रुप की तरह इंसेक्ट का क्लास भी पेरेंटल केयर शो करते हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आर्थ्रोपोड्स फाइलम के अंतर्गत ये इंसेक्ट आते हैं, और मैक्सिमम जो स्पीसीज है आर्थ्रोपोड्स की है, लगभग 8000 स्पीसीज इस आर्थ्रोपोड्स में खोजे जा चुके हैं। तो पेरेंटल केयर देखना है आर्थ्रोपोड्स में, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पेरेंटल केयर होता क्या है। तो पेरेंटल केयर के अंतर्गत बेसिकली जो इंसेक्ट के द्वारा अपने चाइल्ड या एग का प्रोटेक्शन किया जाता है, लार्वा इत्यादि का प्रोटेक्शन किया जाता है, उनको फूड मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है। पेरेंटल केयर इन इंसेक्ट को इस डायग्राम के माध्यम से शो किया जा रहा है, जिसको आगे डिटेल करें। इसका इंट्रोडक्शन अगर देखें तो मैक्सिमम इंसेक्ट जो है सोशल बिहेवियर यानी कि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जिसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। बेसिकली पेरेंटल केयर के अंतर्गत एग्स का प्रोटेक्शन किया जाता है, बाद में यही इन्हीं एग्स से लार्वा प्यूपा और फिर एडल्ट का निर्माण हो जाता है। जनरली फादर के द्वारा पेरेंटल केयर शो किया जाता है, जैसे मेल जियंट वाटर बग जो इंसेक्ट है उसमें दिखाया जा रहा है कि मेल अपने एब्डोमेन पार्ट में एग्स को कलेक्ट करके रखे हुए हैं, इसमें जो फीमेल है वो डायरेक्ट इसी सरफेस पर अंडे देते हैं, जिसको ऑक्सीजन इत्यादि की सप्लाई भी इसी प्लेस पर होता है। इसके लिए इन अंडों को रखने के लिए सांचानुमा आकार इसके एब्डोमेन पार्ट में होता है। मदर्स के द्वारा भी यानी फीमेल के द्वारा भी एग्स का प्रोटेक्शन जनरली किया जाता है। सोशियो इकोलॉजी ऑफ इंसेक्ट को देखें तो जनरली यू सोशियल क्वालिटी वाले होते हैं, क्वासी सोशियल भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट कम्युनल होते हैं, सब सोशियल भी एक्टिविटी ये शो करते हैं। पेरेंटल केयर विथ सॉलिटरी नेस्टिंग, तो इस मेथड से भी पेरेंटल केयर शो किया जाता है। जनरली ईयर वीक जो ऑर्गन होते हैं उस ऑर्गन का यूज़ पेरेंटल केयर में करते हैं, जैसे डर्मोप्टेरा ऑर्डर के ये इंसेक्ट को एग्जांपल के रूप में दिखाया जा रहा है। डंग बीटल स्कैराबाइडी, ये जो इंसेक्ट है वो एक जो डंग बॉल, एक बड़ा सा डंग बॉल होता है, उसके अंदर अपने अंडे को सुरक्षित रख लेते हैं। हेमिनोप्टेरा जो ऑर्डर के कुछ मेंबर्स ऑफ इंसेक्ट हैं वो अंडे को कुछ स्पेशल हाउस में रखते हैं, कुछ इंसेक्ट इस तरह से भी अपने इंसेक्ट अपने लार्वा या फिर एग्स को प्रोटेक्शन देते हैं। बिना नेस्ट के भी प्रोटेक्शन दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा अपने अंडे या लार्वा इत्यादि को, जैसे बॉडी के ऑर्गन के ऊपर या जो मेल्स हैं वो ढोकर चलते हैं अंडे को। इसके अलावा या जो मेम्ब्रेनाइडी जो फैमिली के जो इंसेक्ट है वो कुछ इस तरह से पेरेंटल केयर शो करते हैं। कुछ पेरेंट्स कुछ इस प्रकार से भी पेरेंटल केयर शो करते हैं। इसमें जो है ट्री हॉपर एग्रीगेट होते हैं वेयर आंट्स आर इन अटेंडेंस, तो इस तरह से सहयोगी रवैया भी होता है, यानी कि जब आंट्स और जो ट्री हॉपर जो इंसेक्ट है वो एक दूसरे का प्रोटेक्शन में हेल्प लेते हैं। वुड माइनिंग बीटल्स जो होते हैं, जो वुड काटने वाले बीटल्स होते हैं, वो कुछ इस तरह से
अपने चाइल्ड या एग या लार्वा का प्रोटेक्शन करते हैं। कम्युनल नेस्टिंग के द्वारा यानी कि कम्युनल एक्टिविटी के द्वारा, सोशल एक्टिविटी के द्वारा भी अंडों का सुरक्षा किया जाता है, जैसे हनीबी में जनरली देखने को मिलता है। एफिड्स यानी कि एफिड जो मक्खी है वो भी अपने अंडों की सुरक्षा कुछ इस प्रकार करते हैं, अंडों और लार्वा की सुरक्षा कुछ इस प्रकार करते हैं। सब सोशल ट्रिप्स कुछ इस प्रकार से पेरेंटल केयर शो करते हैं। फार्म्स ऑफ प्लांटर केयर, इसके अंतर्गत टाइप्स बेसिकली देखते हैं तो मैटरनल केयर होता है, पैटर्नल केयर होता है, बाई पेरेंटल केयर होता है। मैटरनल केयर के अंतर्गत बेसिकली माता के द्वारा चाइल्ड इत्यादि का प्रोटेक्शन किया जाता है। पैटर्नल केयर के अंतर्गत बेसिकली जो फादर है वो ही इन्वॉल्व होते हैं पेरेंटल केयर में। बाई पेरेंटल केयर में मदर एंड फादर दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। मैटरनल केयर को इस डायग्राम के थ्रू शो किया जा रहा है। ये जो ट्रैक्टोरिस स्पीसीज को पेरेंटल केयर शो करते हुए दिखाया जा रहा है, अपने नीचे छुपा के रखते हैं एग्स को। कुछ इस प्रकार से भी पेरेंटल केयर शो किया जाता है इंसेक्ट में। ये एक इस प्रकार से भी पेरेंटल केयर जनरली शो किए जाते हैं इंसेक्ट क्लास में। इनडायरेक्ट पार्टी पैटर्नल कंट्रीब्यूशन, तो डायरेक्ट जो पैटर्नल जो सपोर्ट है वो नहीं आता, बट इनडायरेक्टली सपोर्ट आता है फूड इत्यादि के लिए। इनडायरेक्ट सपोर्ट किया जाता है चाइल्ड को या फिर अंडों इत्यादि को। रीज़न ऑफ पैटर्निटी अगर देखें तो फूड और फेवरेबल कंडीशन इत्यादि की आवश्यकता, उपयुक्त टेम्परेचर इत्यादि की आवश्यकता की वजह से और शत्रुओं की रक्षा के उद्देश्य से पैटर्नल केयर या फिर पेरेंटल केयर जरूरी होता है। बाय पेरेंटल केयर में मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं पेरेंटल केयर के लिए। इन सब डायग्राम के थ्रू पेरेंटल केयर शो किया जा रहा है। इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं कि एक वॉल बना लिया गया है, उस वॉल में इंसेक्ट अपने अंडों को छुपा कर रखते हैं। कुछ केमिकल सिग्नलिंग के द्वारा भी ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरनल केमिकल सिग्नल भी होते हैं, हार्मोन्स फेरोमोन्स जाती सब्सटेंस भी होते हैं जिसके माध्यम से ये पेरेंटल केयर शो करते हैं। कुछ जो है इस प्रकार से एग प्रोडक्शन करते हैं जिससे पेरेंटल केयर में आसानी होता है। कुछ इंसेक्ट कुछ इस प्रकार से पेरेंटल केयर शो करते हैं। कुछ इंसेक्ट इस तरह से पत्ती में जो है पेरेंटल केयर शो करते हैं। ऑफिस स्प्रिंग की उपस्थिति से भी पेरेंटल केयर शो किया जाता है। कुछ इंसेक्ट कुछ इस प्रकार से भी पेरेंटल केयर शो करते हैं। कुछ इंसेक्ट जो है एंड जो लार्वा इत्यादि के जो एंट्रेंस होता है, जो गेट होता है, जो घोंसले में गेट होता है उसको ही बंद करके पेरेंटल केयर शो करते हैं। इसके लिए उस इंसेक्ट में हेड वाले रीजन में स्पेसिफिक एडाप्टिव ऑर्गन राउंडेड ऑर्गन पाया जाता है। कुछ जो फॉर्मिडेबल जो मदर होते हैं उनके द्वारा भी पेरेंटल केयर शो किए जाते हैं। ये अपने पोजीशन की वजह से पेरेंटल केयर शो कर पाते हैं। जो कुछ इस प्रकार से भी कुछ इंसेक्ट में जैसे ब्राजीलियन सॉफ्टफ्लाई जो इंसेक्ट होते हैं उसमें इस प्रकार से पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। अब कुछ जो इंसेक्ट हैं वो डायरेक्ट अंडों की जगह चाइल्ड को देकर, चाइल्ड को जन्म देकर पेरेंटल केयर शो करते हैं, यानी कि अंडों के सिक्योरिटी के टाइम को बचा लेते हैं। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि पेरेंटल केयर इंसेक्ट में स्पेसिफिक टाइप से शो किया जाता है, जिसमें कुछ में मैटरनल इन्वायरमेंट होते हैं, कुछ में पैटर्नल
कुछ में फादर एंड मदर दोनों पेरेंटल केयर में इन्वॉल्व होते हैं, विभिन्न टाइप के पेरेंटल केयर पाए जाते हैं। थैंक यू।